नमस्कार किसान भाइयों, आपकी अपना YouTube चैनल यूपी किसान हमारा जान। किसान भाइयों, आइए आज हम गोभी की खेती की एक संपूर्ण जानकारी बताते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। किसान भाइयों आइए आज हम एक 15 साल के युवा से मिलाते हैं। गोभी की खेती एक एकड़ में काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी के किया है, तो किसान भाइयों चलिए मिलाते हैं और काफ़ी बम्पर पैदावार लिया है किसान भाई। जैसे आप देख सकते हैं पूरे खेत में मतलब काफ़ी अच्छे किस्म का लगाया हुआ है गोभी और काफ़ी अच्छा पैदावार भी लेता है हर साल के भांत। किसान भाइयों, इस साल हम इससे मिलने आए हैं, काफ़ी इसका पैदावार इतना ज़्यादा है किसान भाइयों, ताकि काफ़ी अच्छा नाम भी रहता है। चलिए इनके इंटरव्यू लेते हैं। तो नमस्कार बाबू। नमस्कार नमस्कार। बताओ मतलब तुम्हारा नाम क्या है, कब से खेती करते हो? मतलब हम 10 साल से खेती करते हैं। अच्छा, काफ़ी अच्छा पैदावार भी तुम्हारी गोभी की देख रहे हैं हम। जी मतलब कितना प्लांट आया है एक एकड़ में? 18,000 आया। मतलब एक एकड़ में तुम्हारा 18,000 प्लांट आया है गोभी का। जी तो क्यों, मतलब गोभी की खेती मतलब पैदावार अच्छा देता है या कि कम पैदावार देता है? किसान कैसे तुम्हारा मतलब पहचान होता है, कैसे कि मतलब अच्छा देता है? अच्छा अच्छा। मतलब कैसे पता चलता है कि हमारा गोभी ये अच्छा है और कैसे खराब है? मतलब जैसे दवा मारते हैं उसी तरह। हाँ। इसी वजह मतलब से देखते रहते हो कि फूल फूल अच्छा है कि फूल खराब है। जी अच्छा। तो मतलब मतलब कीटनाशक के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं इंसेक्टिसाइड का? वही डालते हैं, परफेक्स परफेक्स डालते हैं। अच्छा, परफेक्स ले लेते हो, अंत ले लेते हो? जी। अच्छा, मतलब परफेनास और साइफरमेथ्रिन क्लोरीफास ले सकते हो? जी। मतलब इस प्रकार से तुम कीटनाशक का उपयोग कर सकते हो। जी। इसमें कुछ फंगिसाइड का उपयोग करते हो? जी। मतलब जैसे साफ होप का स्प्रे करते हो? हाँ करते हैं। अच्छा, मतलब साफ होप का काफी अच्छा इफेक्ट भी आता है किसान भाइयों। जैसे कि पौधे में मतलब पौधे पीले हो जाते हैं, पौधे मतलब पत्ते गलने लगते हैं, इस प्रकार का मतलब कोई भी आपके खेत में किसान भाइयों प्रॉब्लम्स है तो आप साफ का छिड़काव कर सकते हैं, M45 का छिड़काव कर सकते हैं, बावास्टीन का छिड़काव कर सकते हैं, कार्बंडाजिम 50%, मैनकोजिल ले सकते हैं 63%। इस प्रकार आप किसी भी फंगिसाइड का स्प्रे करके आप गोभी में काफ़ी पौधे रोग प्रतिरोधक से बचा सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, आप देख सकते हैं जैसे गोभी की फूल काफ़ी अच्छी दिख पा रही होगी। इस प्रकार किसान भाइयों पूरे खेत में आपको चल के घुमा के दिखाते हैं कि हमारी गोभी की मतलब इस युवा किसान के किसान भाइयों हौसले को बुलंद करने के लिए किसान भाइयों काफ़ी पैदावार आपको गोभी की खेती में दिख पा रहा होगा। काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अच्छा क्वालिटी की गोभी की पूरे मतलब अच्छा आपको दिख पा रहा होगा पूरे खेत में किसान भाइयों जैसे कि कल ही की हार्वेस्टिंग भी हुई है, मतलब कल की कटाई हुई थी किसान भाइयों। तो इस प्रकार आप गोभी की खेती देख सकते हैं पूरे दूर तक की लगी हुई है एक एकड़ में। जैसे कि किसान भाइयों इधर हमारे साथ युवा किसान जुटे हैं, काफ़ी पैदावार इनकी अच्छी है। किसान भाइयों जैसे कि हम गोभी की बात करें तो बताओ पवन बाबू, तुम्हारी डिस्टेंसिंग कितनी मतलब दूरी कितनी लगाई जाती है? 40 सेमी चौड़ा 40 सेमी। मतलब कि जो आप देख सकते हैं डिस्टेंसिंग किसान भाइयों वह 40 सेमी चौड़ाई और 40 सेमी लंबाई पे गोभी की रुपाई हुई है। साधारण विधि से हुई है, काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग भी चल रही है, काफ़ी अच्छी पैदावार है। आप देख सकते हैं कुछ हार्वेस्टिंग हुई है, मतलब कुछ कटाई भी हुई है गोभी की। देखिए कितना खाद डाला है, मतलब खाद काफ़ी बंदा युवा किसान काफ़ी अच्छा डाला है काफ़ी खेत में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार किसान भाइयों आप देख सकते हैं गोभी पे मतलब मिट्टी चढ़ चुकी है। आपको कैसे पता चलेगा किसान भाइयों कि आपकी प्लांट ग्रोथ कर रहा है? किसान भाइयों यही पहचान है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो पौधे की जो जड़ें हैं काफ़ी पौधा विकास पे आपको दिख पा रहा होगा, इसकी जड़ काफ़ी मतलब ज़मीन से बाहर आ चुकी है। किसान भाइयों खाद और सिंचाई काफ़ी अच्छे तरीके से हुई है, तो किसान भाइयों जो इसकी जड़ें हैं वो काफ़ी आपकी, तो इस प्रकार किसान भाइयों आप देख सकते हैं गोभी काफ़ी अच्छी लाइनें भी आपको दिख पा रही होगी, काफ़ी ज़बरदस्त प्लांट भी है, बिना कोई बीमारी की है, कोई इसमें बीमारी नहीं लगी हुई है, काफ़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है इसकी। किसान भाइयों और बाबू बताओ कौन सी वैरायटी की बुआई किए हो? लेट अगानी 98 नंबर की बुआई किए हो? जी जी। वो जो काफ़ी अच्छा पैदावार देती है हर साल के बाद, हम तो भी किसान भाई हम अपने भी खेत में लगाए हैं, काफ़ी अच्छी पैदावार देती है। जैसे किसान भाई आप देख सकते हैं इधर खेत आपको पूरी दिख पा रही होगी, गोभी इधर लगी हुई है काफ़ी किसान भाइयों अच्छा है। इधर अभी मिट्टी चढ़ाई जा रही है इस खेत में और बगल वाले खेत में कुछ कटिंग भी हुई है। तो इस प्रकार किसान भाइयों आप देख सकते हैं इस युवा किसान की
हौसला को बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। किसान भाइयों, इस युवा किसान के लिए एक तो लाइक बनता है और साथ ही इसके हौसला बुलंद के लिए, जैसे आप देख सकते हैं हार्वेस्टिंग के साथ काफ़ी फूल अच्छा है, पौधे में कोई बीमारी भी नहीं है, कोई कीट भी नहीं लगे हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप देख सकते हैं काफ़ी फूल एकदम सफ़ेद रंग की होती है। तो पवन बाबू, आप मतलब जो आप गोभी के फूल है, जैसे आप देख सकते हैं हम कि मतलब यह फूल सफ़ेद कैसे होता है, मतलब दूध कलर की कैसे होता है? बुरान के स्प्रे करते हैं। अच्छा, बुरान का स्प्रे करते हो, मतलब मल्टीप्लेक्स की जो बुरान आती है उसका आप मतलब स्प्रे कर देते हो जी, जमीन में भी डाल देते हो जी। अच्छा, चलो काफ़ी अच्छा है। और साथ ही मतलब जो तुम्हारे गोभी की खेती है, काफ़ी जो जड़ हम देख पा रहे हैं काफ़ी एकदम से बाहर आ चुकी है, काफ़ी अच्छा ज़्यादा खाद भी डाले हो तुम जी। इस प्रकार किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि गोभी की खेती में काफ़ी अच्छा यह बंदा काम भी किया है। इस प्रकार किसान भाइयों, आप गोभी की खेती करके काफ़ी अच्छे से अच्छे मुनाफे कमा सकते हो। गोभी की खेती जैसे आप देख सकते हैं पूरे खेत में इस बंदे की काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग भी हुई है। तो किसान भाइयों, चलिए जय हिंद जय भारत, फिर से अगले वीडियो मिलेंगे नए जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।